जय द्वारकाधीश मांगोवीश आपोतीश ये मेरा जय द्वारकाधीश वंदे मातरम भारत माता की जय। आयो आप सब मजे में होंगे, मैं भी मजा में। आज लॉक चालू करने में देरी हो गई, दोपहर के 2 बजे है। बाहर तो बहुत धूप है, तो चालू करते हैं। अभी खाना बाकी है तो पहले खा लेते हैं। आज खाने में क्या है देख लेते हैं। तो कल तो रामनवमी का उपवास किया था। सुबह में जब हमने उपवास छोड़ा और पाना किया था तो लेट हुआ था, तो इसलिए आज दोपहर को देखो ये दूसरा कुछ नहीं खाना था तो ये मकबा गया सब। गोपी ने खा लिया। जय द्वारकाधीश। है लेस की चिप्स अच्छी लगेगी। हाँ चलो चलो लाओ लाओ। नाचोस अच्छी नहीं लगते हैं। सब खाएंगे। हाँ ऐसे इसमें साथ से ऑनलाइन वाले ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तब 3 ही मैक्सिमम सॉस दिलवाने देते हैं वो लोग। तो ये मैंने इसमें बारबेक्यू रेड चिली और मिंट मेयोनीज डलवाया था। तो अभी घर पे हम लोग अलग अलग सॉस रखते हैं, तो अभी हनी मस्टर्ड डाल रही हूँ। हनी मस्टर्ड हनी मतलब मध और राई का होता है। पापा का पनीर टिक्का है और मम्मी का कॉर्न एंड पीस है। मैं बहुत सब खाती थी पहले, अब तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है खाना। पापा और मम्मी सब वे की मजा लूट रहे हैं। ऐसे सब वे का सैलड भी आता है, उसमें ब्रेड नहीं आती है, तो कोई अगर डाइटिंग कर रहा है तो मंगा सकता है। सब वे ऐसे इंडिया में तो महंगे फूड में आता है, बट यूएस में तो सस्ते फूड में आता है, क्योंकि वहां पे सब वे आपको बाहर खाना सबसे सस्ता लगेगा। ऐसे 4-5, $5-6 में आ जाता है वहाँ पे, वरना जनरली अच्छा कुछ खाने जाते हो तो $20-20 जितना लगता है पर पर्सन। हमने ऑलरेडी सब खत्म कर दिया, खा लिया और यहाँ पे सब टूटे जाते जो हमारे एप्पल ना मित्र बह गया से ऑक्सीजन गार्डन में राखंड का वाला। તમારું કામ કાકા? ગારિયાદા રાજુભાઈ રાજુભાઈ ના કાકા આરંગ સારકુલા તાલુકો જોવા બેઠા એ શાંતિ સાંય ગરમી જ બહુ પડે ચુમ્માળે ડિગ્રી કાલે હતી અમારા તળસી કાકા ગાર્ડનમાં ભેગા થઈ ગયા છે તો એ આપણે લાલતદાના પાસીકડા કહે છે કોણ છે નહીં એમને વિડીયો ઉતરો કોઈ જાય વાડીએ કોઈ જાય વાડીએ કોઈ જાય ખળે વશરામભાઈ વાણંદ હજામત કર્યો તો ત્રણજી બળે નારાયણ ના પાછે પાછે કરા ગાય પ્રભુ એ વાણંદ અમારે ગામના સમજે। આજ અમારે ઘર પે મહેમાન આ રહે હે તો ઉસકે લિયે મસાલા ઢોસા બનાયા પહેલે વાલા દેશી એ બટાટા વાલા એ સંભાર બન ગયા ઓર ઉસમે ચટણી હે ચટણી બગાર ચટણી યમ सब बना बस नहीं अबे आ बन गया। अबे डाल क्या कर रहे हो? आ तो सेंसर पड़े को खा लेंगे। हाँ कौन मेहमान आ रहे? बेवाई। हमारे बेवाई आ रहे हैं, हमारे जो पूर्वी है हमारी बेटी ऑस्ट्रिया रहती है रिदु के साथ, रिदु की वाइफ उसको हम अपनी बेटी कहते हैं और उसके पापा आने वाले हैं तो उसको डोसा बहुत पसंद है तो इसलिए मसाला डोसा जो देसी स्टाइल में बनता है वो बना रहा है तो उसके लिए ये चटनी में तड़का लगा रही पहले सरसों के दाने और हींग थोड़ा ज़्यादा हींग लाल मिर्च कड़ी पत्ता और कड़ी पत्ता तड़का लग गया। वो चटनी की तो
ટોપરા, ચણાની દાળ, મીર્ચ, ધનિયા. મસ્ત મસ્ત लग गया. जो सूरत में सब मसाला डोसा का बोला, मैसूर डोसा खाते हैं, ये डोसा नहीं, ये देसी स्टाइल में भावनगर के मसाला डोसा, साउथ की स्टाइल. हाँ, साउथ में जैसे बनाते हैं ऐसे ही बनता है. और सांभर में तड़का लगा रहे. जो आपको मसाला डोसा की पूरी रेसिपी चाहिए तो हम कभी भी बनाएंगे. आज तो ऐसे ही आपको दिखा रहे हैं. हमारे मेहमान आ रहे हैं, उसके लिए क्या बनाया ये. सरसों तोड़ 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 हो रहे हैं. खीरा और मेथी और लाल मिर्च जो वगैरह के मिर्च आते हैं वो. ये भैया तड़का लग गया, खुशबू भी आने लगी तड़का. तीजा करे खुशबू पा गई वो. ये देखो ये बनना चालू हो गया. क्या किसका बनाया? तीन भाग सोखा, एक भाग उड़द की दाल. हाँ, उसको 4-5 घंटे अगाओ पानी में भिगो देना. सवार में भिगो देना. शाम को बनाना हो तो सुबह में पिला देना, भिगो देना. 2-3 बजे पीली ना कुछ है मिक्सर में. मिक्सर में उसको क्रश कर लेना 2-3 बजे. हाँ, बाद में उसको आटा, उसको आटा लाना पड़ता है. आता 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 देखो देखो कितना बड़ा पेपर बन रहा है. ओहो, खीरा में खा ले नमक, दूसरा कुछ नहीं. उड़द और सोखा, ये साउथ स्टाइल बनता है. मस्त है, एकदम पतला कड़क, एकदम पतला. थोड़ा घी डाला. देखो बन गया. तो शीश डालते है उसकी जगह की. देखो हमारे मेहमान भी आ गए, हमारे वेवाई रमेश भाई. तो मेहमान तो निकल गए और हम गर्मी बहुत है तो नहा लिया ठंडा पानी से. तो आज का व्लॉग यहाँ पूरा करते हैं. ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए सबको जय द्वारकाधीश. बाय बाय, गुड नाइट.